जैकेट्स आर अ बिग पार्ट ऑफ विंटर फैशन एंड यार जिन लोगों का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है, जिन लोगों का स्टाइल थोड़ा सा स्ट्रीट वेयर टाइप है, उन लोगों के लिए वार्सिटी जैकेट्स आर अ मस्ट हैव ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्पेशली इन 2024। बट यार वार्सिटी जैकेट्स के साथ में ना एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो आपको अच्छी क्वालिटी में इजिली नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो आपको थोड़े से हाई एंड ब्रांड से मिलेंगी, जैसे ज़ारा पे आपको मिल जाएगी, H&M पे आपको मिल जाएगी, एंड जो उसकी प्राइस रेंज होगी वो होगी अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 5,000 से 6,000 रुपए के आसपास। एंड फॉर समबडी जो कि भी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, अनलेस एंड अंटिल आप लोग DPS के पढ़े हुए हो एंड आपके पास में अंधा पैसा है, आई नो दैट यू वुड रियली वांट कि भाई मैं अपनी फैशन और स्टाइलिंग पे एक रीजनेबल अमाउंट स्पेंड करूं लेकिन एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदूं। चलो भाई, जामतन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। एंड भाई आज के वीडियो में बात करने वाला हूं वार्सिटी जैकेट्स के बारे में जिनको मैंने खरीदा है फ्रॉम Amazon। एंड यार जब मैंने Amazon को स्क्रॉल करा, जब मैंने सर्च करा वार्सिटी जैकेट्स को लेकर, तो एक चीज मैंने नोटिस करी कि भाई वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी वाले जैकेट्स और अच्छे डिजाइन वाले जैकेट्स बहुत ही लिमिटेड मिलेंगी। तो मैंने कुछ यहां पर सोर्स करी है जिसके अंदर एक जैकेट मैंने जो मंगवाई वो ऐसे निकली जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सबसे तो पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वार्सिटी जैकेट्स के डूज एंड डोंट्स हैं क्या। तो बात करने पहले पॉइंट नंबर 1 के बारे में कि भाई वार्सिटी जैकेट्स आइडेंटिफिकेशन है क्या। तो यार वार्सिटी जैकेट जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है जिनके सेंटर में आप लोगों को एक कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, स्लीव थोड़ी सी अलग मिलेंगी, हो सकता है ये नॉन कन्वेंशनली आपको सेम कलर की मिल जाए लेकिन यूजुअली वो इसी डिजाइन की होती है। एंड मेरा पॉइंट नंबर 1 इसमें है अबाउट द फिटिंग ऑफ वार्सिटी जैकेट्स। आपकी वार्सिटी जैकेट आप लोगों को स्लिम फिट या फिर स्नग फिट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी रिलैक्स फिट होनी चाहिए, रेगुलर फिट पहन लो या फिर हल्की सी ओवरसाइज पहन लो तभी वो अच्छी लगेगी। फिर आता है मेरा पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज द मटेरियल ऑफ वार्सिटी जैकेट्स। वार्सिटी जैकेट यूजुअली बनी होती है या तो वुलन मटेरियल की या फिर लेदर मटेरियल की, यानी उसका जो मटेरियल होता है वो थिक होता है, पतला नहीं होता, यानी जो कि वार्सिटी जैकेट है उसका मटेरियल ऐसा बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। ये वार्सिटी जैकेट नहीं है, ये स्कार्सिटी जैकेट है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारी वार्सिटी जैकेट नंबर 1 के साथ में, जो कि होने वाली है ये ब्लू कलर की, ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन वार्सिटी जैकेट, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड टिस्टाबीन, एंड इसको मैंने परचेज किया है फ्रॉम Amazon जैसे मैंने आप लोगों को बताया। इसके मटेरियल की बात की जाए तो भाई डेफिनेटली वुलन मटेरियल नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन जो इसका फैब्रिक है वो अच्छा खासा थिक फैब्रिक है, यानी इसको पहनने के बाद जो इसकी फॉल है आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया आ रही है, फॉल बहुत अच्छी है, एंड दैट इज द मेन पार्ट इन अ वार्सिटी जैकेट। एंड भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इसको मैंने परचेज किया है जस्ट फॉर ₹1,594 ओनली, 1600 रुपए में बहुत अच्छी क्वालिटी है इस जैकेट की। अब इस जैकेट के जो की पॉइंट्स हैं वो इसका फैब्रिक तो डेफिनेटली है ही कि अच्छा खासा मोटा फैब्रिक है, जिस वजह से फॉल भी इसकी बहुत बढ़िया आ रही है, उसके अलावा जो इसका डिजाइन है ना बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आप लोगों को पर्पल कलर का एक यहाँ पे पी कलर का लोगो मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ पोकर, इट्स लुकिंग रियली वेरी गुड। यहाँ पे पर्पल के साथ में ग्रीन कलर का कलर कॉम्बिनेशन है जो कि बाहर एक शेडो के अंदर यहाँ पे येलो आ रहा है, सो इट्स लुकिंग ओवरऑल रियली वेरी गुड। सेकंडली आता है यहाँ पे हमारा कार्ड्स का डिजाइन और इधर मिल जाते हैं आप लोगों को स्टार्स, सो ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर जैकेट का इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड। अलग अलग कलर जरूर है लेकिन एक कैजुअल पर्सपेक्टिव से इस जैकेट के अंदर कलर्स आर वेरी वेल बैलेंस्ड एंड बहुत ही बढ़िया लग रही है स्टाइलिंग में। अब बात की जाए कि कौन कौन से कलर्स को जैकेट बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगी, सो नंबर 1 इज गोइंग टू बी एन ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक के साथ में आप इसको डेफिनेटली पेयर अप कर सकते हो। उसके अलावा सिंस इस जैकेट के अंदर व्हाइट कलर की अच्छी खासी प्रेजेंस है तो आप लोग इसको व्हाइट के साथ में डेफिनेटली पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगेगा। बस एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने टॉप वेयर में यानी अंदर आप लोगों ने इस सेम शेड ऑफ ब्लू का कोई भी आउटफिट कोई भी अपैरल नहीं पहनना, वरना वो दोनों कलर्स मिक्स हो जाएंगे, इन इस वार्सिटी जैकेट की जो लुक है ना वो खिल के नहीं आ पाएगी। उसके अलावा क्योंकि अंदर यहाँ पर रेड कलर की स्ट्राइप प्रेजेंट है तो आप लोग रेड के साथ नहीं पेयर अप कर सकते हो, दिस शुड लुक रियली वेरी गुड विद दैट। चलो यार ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वार्सिटी जैकेट, अब मैं आना चाहूंगा हमारी नेक्स्ट वाली पे व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड, इसका ब्रांड कौन सा, ये भी फ्रॉम टिस्टाबीन है एंड इसका भी कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसी बात की जाए तो ये वाली है लार्ज साइज एंड ये वाली मेरी जैकेट है स्मॉल साइज की, तो मैंने इसको लार्ज में इसलिए मंगवाया ताकि मैं आप लोगों को एक ओवर साइज लुक भी दिखा सकूं। टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दिस वन, तो यार मैंने इसको परचेज किया है ₹1,681 एंड भाई प्राइस के हिसाब से जेन्युइनली बता रहा हूं जैकेट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बात करें डिजाइन के बारे में तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोगों को ऑरेंज कलर के साथ में आपको ऑफ व्हाइट मिल जाता है, क्रीम कलर कह सकते हो, तो कलर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। ऊपर डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक कलर के स्टार्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी ब्लैक कलर का यहाँ पे लोगो प्रिंटेड है, ब्लैक लिखा है टेक योर ड्रीम सीरियसली, तो भाई साहब यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा हुआ टेक योर ड्रीम सीरियसली। एंड बैक साइड की बात करूँ तो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं मिलेगा लेकिन कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा एंड थोड़े से न्यूट्रल कलर के साथ हम इसको पेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगेगी। बात करूँ फिटिंग के बारे में तो यार ओवर साइज लुक के अंदर जैकेट की जो लुक है काफी अच्छी आ रही है डेफिनेटली, बट आई थिंक यहाँ पे लार्ज साइज में अपने लिए मीडियम भी मंगवाता तो भी वो अच्छा खासा लुक दे देता, बिकॉज शोल्डर थोड़ा ज्यादा ड्रॉप लग रहा है मेरे को एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर है, सो आई थिंक यू नो मीडियम साइज वुड हैव गॉन बेटर फॉर मी। तो आप लोग अपने लिए अगर ओवर साइज लुक ट्राई करना चाह रहे हो, सो इफ यू गाइज आर वेयरिंग स्मॉल तो आप लोग एक साइज ऊपर ही जाना, दो साइज ऊपर मत जाना। इफ यू गाइज वेयर स्मॉल देन गो फॉर अ मीडियम, इफ यू वेयर मीडियम गो फॉर अ लार्ज, इफ यू वेयर लार्ज देन गो फॉर एन XL, उससे ऊपर ऑर्डर करोगे तो आप लोग को शायद इतनी अच्छी लुक नहीं मिलेगी। बात की जैसे कलर कॉम्बिनेशन के बारे में तो क्योंकि इसके अंदर एक ऑफ व्हाइट कलर प्रेजेंट है, इट इज गॉट ऑरेंज, तो आई थिंक नंबर 1 ऑल ब्लैक के साथ में डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा ही। उसके अलावा आप लोग इसको ना ऑफ व्हाइट कलर के साथ में भी पेयर अप कर सकते हो, जैसे अगर आप लोगों ने अंदर ऑफ व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, टर्टल नेक पहनी है, तो उसके साथ में बहुत ही बढ़िया लगने वाला है लोग, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होगा यहाँ पे। एंड अगर आप लोग चाहो तो थोड़े से फंकी कलर्स भी ट्राई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास में इस सेम कलर का कार्गो है तो बढ़िया कॉर्सेट टाइप ऑफ लुक क्रिएट कर सकते हो एंड इट शुड लुक रियली वेरी गुड। इसके बाद मैं आना चाहूंगा मेरी वार्सिटी जैकेट नंबर 3 पर जो की होने वाली है ये, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड
चिकोको CHKOKKO प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता, एंड ये साइज है मेरा मीडियम। तो भाई मैंने बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे प्ले करा, मैंने एक मंगवाई स्मॉल की, एक मंगवाई लार्ज की, और अब मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ मीडियम। बात करें कलर कॉम्बिनेशन के बारे में तो भाई मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जेन्युइन। एंड आउट ऑफ दीज थ्री जितने भी तीनों मैंने जैकेट्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई, इसका फैब्रिक मेरे को बेस्ट लगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा मटेरियल हैवी मटेरियल है, यानी इसकी जो फॉल है वो बहुत अच्छी आएगी, एंड फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का जेन्युइनली इसका। एंड कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो हमारे अर्दी कलर्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है ब्राउन एंड ब्लैक का, सो इट इज लुकिंग रियली वेरी गुड। बासठी के हिसाब से बात करूं तो काफी मिनिमल डिजाइन है इसका, बैक साइड पे इसको आप लोगों को कोई प्रिंट नहीं मिलेगा, एंड सामने आप लोगों को यहाँ पे एक ए लेटर का डिजाइन मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों का नाम ए से स्टार्ट होता है तो बहुत ही बढ़िया, आपने अपने नाम की इनिशियल की जैकेट पहनी है, और आपकी बंदी का नाम ए से स्टार्ट होता है तो भाई साहब उसको खुश कर देना, बोल देना कि बेबी मैंने आपके नाम की इनिशियल लेटर की जैकेट यहाँ पे पहनी आज, सरप्राइज सरप्राइज। अब बात की जाए इसकी फिटिंग के बारे में तो फिटिंग जनरली मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन एक और चीज है, अगर मैं इस तरह स्मॉल साइज भी मंगवाता, मतलब मीडियम की जगह स्मॉल मंगवाता, वो भी मेरे को बहुत ही बड़ी तरीके से फिट आ रहा था, बिकॉज अभी इसका जो लुक है थोड़ा सा ओवर साइज जा रहा है, बट देन इट वुड हैव बीन परफेक्ट। बात करूं अगर मैं इसकी स्टाइलिंग के बारे में तो भाई ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आई डोंट थिंक मिलेंगे, क्योंकि अर्ली टोन्स है, एंड ऑल ब्लैक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली साथ में बहुत बड़े लगने वाला है विदाउट एनी डाउट। उसके अलावा आप लोग इसको व्हाइट के साथ में पेयर अप कर सकते हो, ऑफ व्हाइट के साथ में पेयर अप कर सकते हो, एंड दैट कॉम्बिनेशन शुड ऑल्सो लुक रियली वेरी गुड। बट उसके अलावा इसके साथ में कोई और कलर अच्छा लगेगा या नहीं, आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट दैट, तो आप लोगों के ऊपर है वो, आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली उस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू माई लास्ट जैकेट जो कि होने वाली थी ये वाली, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो काफी बेकार क्वालिटी का निकला, तो इसको मैं यहाँ पे रिव्यू बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पे एक जैकेट और है जो कि है ये वाली, इसको मैंने ऑफलाइन शॉप करा था लास्ट ईयर आई थिंक फॉर ₹3,500। एंड बेसिकली जैकेट को मैंने यहाँ पे क्यों रखा, ताकि मैं इसकी क्वालिटी से इन सबको कंपेयर कर पाऊं, एंड आई थिंक अगर बात की जाए फैब्रिक क्वालिटी के बारे में तो जो जैकेट इसको मैच कर सकती है, बिकॉज दिस अ रियली वेरी गुड क्वालिटी जैकेट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजाइन भी आप लोग देख ही सकते हो बहुत बढ़िया है, तो जो क्वालिटी मेरे को लगा थोड़ी बहुत सिमिलर थी या फिर थोड़ी बहुत मैच कर पाई वो ये वाली जैकेट है, बिकॉज इसका भी मटेरियल काफी अच्छा है, इट इज प्रीटी थिक, एंड कंपैरेटिवली प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों जैकेट्स की भी क्वालिटी डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी है। अब क्योंकि मैंने जैकेट को ऑफलाइन शॉप करा था तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को सेम डिजाइन ऑनलाइन तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, तो इससे जो सिमिलर मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, जो सिमिलर जैकेट्स हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो गाइस ये था मेरा टोटल वार्सिटी जैकेट्स का रिव्यू। इन शॉर्ट जितने भी मैंने जैकेट्स ऑनलाइन चेक करी, अमेज़न पे चेक करी, उनमें से मेरे को ये तीन बहुत बढ़िया लगी, तो मैंने इन तीनों का रिव्यू आप लोगों को दे दिया। उसके अलावा जो भी सिमिलर लिंक्स हैं जो आई थिंक अच्छे हो सकते हैं, उनके भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, सो यू गाइस कैन शॉप इट फॉर योरसेल्फ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप, एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि इन सभी जैकेट्स में से आप लोगों को सबसे बेस्ट कौन सी वाली लगी। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज द क्लासिक अफेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल।